दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई की जीत से खुश हैं और धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौके छक्कों की बरसात कर पहले ही मुकाबले में इतिहास रचने वाले अजिंक्य रहाणे ने अपनी इस पारी का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए जो कुछ भी कह दिया उनकी बातें सुन पूरी दुनिया इन दोनों को खिलाड़ियों को सलाम करने पर मजबूर हो गई है। तो आखिरकार क्यों धोनी की बात करते हुए भावुक हो गए रहाणे और क्या कुछ बताया उन्होंने धोनी की तारीफों के पुल बांधते हुए, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा में कौन है चेन्नई की जीत का असली हीरो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर केवल चेन्नई के नारे ही सुनाई दिए हैं, जहां मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था लेकिन उसके बाद मुंबई के लिए केवल निराशा ही आई है। जहां रविंद्र जडेजा के साथ मिचेल सेंटेनर की फिरकी का जादू इस कदर चढ़कर बोला है कि सितारों से सजा मुंबई का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव से लेकर कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया और 113 रनों पर मुंबई के साथ बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे, वो तो अंत में टीम डेविड ने अपनी 31 रनों की आतिशी पारी से मुंबई की लाज बचाई और 20 ओवरों में उन्हें 157 रनों तक पहुंचाया, जहां मुंबई के फैंस थोड़े बहुत उम्मीद उनको जागी थी कि वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन मुंबई के फैंस को खून के आंसू रुलाने का काम किया अजिंक्य रहाणे ने, उनके साथ ही पहले ओवर में पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन अपने पहले मुकाबले में रहाणे तो इतिहास रचने का मन बनाकर आए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। रहाणे का यह तूफानी अंदाज देखकर हर कोई दंग था लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नतीजा यह रहा कि पीयूष चावला को 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़कर रहाणे ने केवल 19 गेंदों में ही आईपीएल 2023 का सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं और मात्र 27 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 61 रनों की मैच विनिंग पारी खेल गए। इसके बाद जब उनसे इस पारी के बारे में पूछा गया तो वो बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि मैं इसके लंबे समय से इंतजार कर रहा था लेकिन लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं था। उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने मुझ पर भरोसा जताया, वो मेरे बड़े भाई की तरह थे जो हमेशा मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ देते। आज एक बार फिर जब मेरा करियर मुझे अंत लग रहा था उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे बेहद खुशी है कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतर पाया हूं। जी हां दोस्तों, ये बात करते हुए बेहद भावुक हो गए थे। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना भगवान बता दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यदि मेरी वापसी किसी कारण से हुई है तो वो धोनी के कारण हुई है, इसके लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, वो महान है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों, अजिंक्य रहाणे का ये दिल छू लेने वाला बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या धोनी चेन्नई को आईपीएल 2023 का चैंपियन बना पाएंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।